हेलो दोस्तों, क्या आपको भी चाय पिलाकर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है कि जैसे मैंने इस वीडियो में एक लड़की को इम्प्रेस किया है? तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए मैं आपको चाय की रेसिपी बताता हूँ। तो दोस्तों, हम चाय बनाना शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें आग लगाना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। आग जलाने के लिए हम एक बुक का यूज़ करते हैं, जो मेरा कॉलेज का ब्लैक बुक है, जिसे मैंने 950 रुपये में ख़रीदा था, जो अभी कोरोना के वजह से किसी काम का नहीं है। तो चलिए 950 रुपये की चाय बनाते हैं। दोस्तों, हमारे आग लग चुकी है। अभी हमें चाय बनाने के लिए एक बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं एक कुकर यूज़ करूँगा। कुकर इसलिए क्योंकि कुकर से लड़कियाँ बहुत जल्दी इम्प्रेस होती है, उनका मन पसंदीदा बर्तन कुकर होता है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी चाय कुकर में ही बनाएं। नहीं इसे अच्छे से एडजस्ट कर ले, ताकि कुकर इधर उधर हिले डोले नहीं, जैसे लड़कियां हिलती डोलती रहती है। कुकर हमारा एडजस्ट हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध एकदम गाय का दूध, प्योर दूध, जो मैंने अभी खुद निकाल के लाया नीचे वाली गाय से। दूध हमारा पूरा गर्म हो चुका है। अब हम दूध में अदरक डालेंगे। अदरक अदरक सबसे अच्छा चीज़ होता है मसालों में, जो लड़कियों को बहुत अच्छे से हंसाता है। तो इसे हम अच्छी तरह से कूटेंगे। आप जितना अदरक को कूटेंगे लड़कियां शादी के बाद, उतना ज़्यादा कम कूटेगी आपको। इसके लिए ज़्यादा कूटें। ओह माय गॉड! और इसे दूध में डाल दें। 2 hours later अदरक अच्छे से घुल जाए 2 मिनट बाद, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती अच्छी वाली होनी चाहिए। फिर दूध और चाय को अच्छे से मिलाने के लिए हमें किसी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने नीचे से ये किसी का चुरा के लाया, जिसे हम जिब भी बोलते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिसे मुंह का स्वाद हमारे चाय में ऑलरेडी मतलब मिक्स हो जाए। आप भी जिब भी का यूज़ करें तो उतना ज़्यादा ही अच्छा है। Meanwhile, जैसे ही हमारी चाय ब्राउन होने लगे, तो अब इसे अच्छी तरह से मिलाइए। ब्राउन होने के बाद हम इसमें एक मसाला ऐड करेंगे, जो हमें कभी मतलब नज़दीकी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसे हम बीमल पान मसाला बोलते हैं। बीमल में केसर युक्त होते हैं। केसर मतलब जो सुगंधित होते हैं, जो आपको यूज़ करना चाहिए। बीमल यूज़ करने से उसमें केसर का स्वाद आता है। अरे वाह, यही तो है हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन, बोलो जुबा केसरी। और इसे अच्छी तरह से मिलाइए। लड़कियां केसर पे बहुत मरती है, इसके लिए आप भी बीमल का यूज़ करें, जिससे चाय आपकी स्वादिष्ट बने। इसमें मिठास डालने की बारी है, तो मिठास के लिए हम यूज़ करेंगे शक्कर। शक्कर जितना कम हो उतना अच्छा डालें। कुछ जितना ज़्यादा आप शक्कर डालोगे, आपकी गर्लफ्रेंड उतनी ज़्यादा आपसे दूर भागेगी। और इसे अच्छे से मिलाइए। जैसे आप जीभ को साफ करते हैं, वैसे ही आप इस चाय को अच्छे से मिला मिला के साफ करिए। तो दोस्तों, हमारी चाय रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे एक कप में निकाल लेंगे, लेकिन हमें इसे छानना होगा। छानने के लिए मैंने एक अंकल का एंटीवायर चुरा के लाया है, जो कि 3 साल पुराना लगता है, लेकिन अभी भी नया दिख रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है। तो हम इस एंटीवायर के जरिए अपने चाय को छानेंगे। तो हम आराम से धीरे धीरे, कुछ चाय अभी बहुत गर्म है, इसे अच्छे से मिलाइए और फिर इसको धीरे धीरे कप में डालिए। और कप में डालने के बाद आपको इस चाय को अपनी गर्लफ्रेंड को जाके पिलाना है। और हाँ, प्यार से पिलाना है उसे, एकदम प्यार से, मतलब बोले तो बहुत प्यार से आपको पिलाना है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। रौली, देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है। अपने हाथों से स्पेशल तेरे लिए मैंने चाय बनाई है, ले पी और टेस्ट करके पता कि चाय कैसी बनी है। रियली? तुम लड़कों को चाय बनाने आती है? वाओ, तूने मेरे लिए चाय बनाया? मैंने ही तो बनाई है अपने इन्हीं हाथों से। तू एक बार पी के तो देख, अगर तेरे को अच्छी नहीं लगी तो मेरे को बोलना। तू एक बार पी इस चाय को और बता कैसी है चाय। वाह यार, इतनी अच्छी चाय तुझे आती भी बनाने, तूने कभी बताई भी नहीं यार, कितनी डिलीशियस चाय है यार। ओ वाह यार, कितनी कड़क, इतनी अच्छी चाय तुझे आती ही बनाने, और इसमें से तो केसर की भी खुशबू आ रही है। तूने इसमें केसर भी मिलाई है क्या? हाँ, तो केसर डाला है तो केसर का टेस्ट तो आएगा ही ना चाय में।
वाह यार, मानना पड़ेगा। और इस चाय में से ना मतलब एकदम अलग सा परफ्यूम जैसी आ रहा है, मतलब परफ्यूम की स्मेल आ रही है, एकदम मस्त, एकदम एडवांस, मतलब स्टैंडर्ड लेवल की परफ्यूम होती ना। तूने इसमें कुछ परफ्यूम मिला है ये क्या? सही बताना मुझे, इसमें परफ्यूम की स्मेल आ रही है। नहीं नहीं, परफ्यूम ऐसा मैं कुछ नहीं मिलाता, ये बस मेरे हाथों में जादू है। जब भी किचन में जाता हूँ ना, कुछ अलग सा मतलब फील आता है, और मैं सब कुछ चीज एकदम अद्भुत मतलब हिलरिस टाइप का चीज बनाता हूँ। वाह यार सही है, तुझे तो बहुत अच्छी चाय बनाने आती है, मुझे भी सिखाना चाय बनाना। कौन है वो बेवकूफ जिसने मेरे अंडरवियर से चाय छाना है? चाय क्या कोई अंडरवियर से छानता है? चाय के वजह से मेरे अंडरवियर में पूरे चीटियां मुझे वहां पे काटने लगी है, और मेरा बीमल भी किसने चुरा लिया है?